बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ केमिस्ट्री क्लास फॉर ग्रेड 9 एंड आई एम हियर मिस ज़ेबनी साहब, योर केमिस्ट्री टीचर। ऑलवेज की स्माइलिंग, हर वक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी स्टडीज़ पे भी उसके साथ साथ फोकस रखें विद कम्प्लीट SOPs। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट topic of this chapter, that is comparison of reactivity of the halogens. First, ke halogens kya hain? These are the non-metals, as we are doing non-metals, characteristics of non-metal. And halogens occupy 7A group in our periodic table. 7A group mein hain halogens, aur isme include hain fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. एस्टेटाइन इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसलिए इसके जो वेरी लिटल इज़ नोन अबाउट द एस्टेटाइन, वी कैन नॉट डील इट इन द इन आवर कॉमन लैब्स। जैसे कि हम स्कूल में प्रैक्टिकल करते हैं, वहाँ पर हम इसको डील नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दिस इज़ द देयर लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। They have electronegative character, their ability to gain the electrons to form anion. Next, they are found in diatomic form, means F2Cl2 Br2 I2, मतलब कि ये टू एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। सिंगल आप इसे Cl, Br और आयोडीन जो है सिंगल सिंबल के साथ नहीं लिख सकते। दे आर फाउंड इन डायटॉमिक फॉर्म एंड दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ऑल ऑफ दिस बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन 7A ग्रुप, और आपको पता है कि जो ग्रुप का नंबर होता है वही एलिमेंट के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट देयर ऑर्बिट। Next is their name. The name halogen is derived from the Greek word halos, meaning salt, and gen, meaning forming. यानी ये salt बनाने वाले element हैं। इनसे क्या होता है, ये salt बनाते हैं, और इसमें fluorine pale yellow gas है, greenish yellow gas है, reddish brown liquid है, bromine जो है liquid form में found होता है, और आयोडीन जो है ब्लूइश ब्लैक सॉलिड फॉर्म में। ऑल द हैलोजेंस आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ये दीज आर वेरी रिएक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे मेक सॉल्ट, हाउ दे मेक सॉल्ट, ये कैसे सॉल्ट बनाते हैं। रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड हेलाइट्स। इन दीज रिएक्शन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, क्या मतलब है ऑक्सीडेशन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किसका करैक्टर है, मेटल्स का है। तो इसका मतलब है हैलोजेंस क्या एक्ट करते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरे एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज करने का रीज़न बनते हैं, बिकॉज दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल और देयर ऑक्टेट। तो इसलिए ये दूसरे मेटल से एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज़ फ्लोरीन। क्लोरीन इज क्लोरीन लेस रिएक्टिव है, बट कंबाइंस विगरसली विद मैनी मेटल्स लाइक एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के मुकाबले में कम रिएक्टिव है, लेकिन बहुत से जो है मेटल्स के साथ बहुत तेज़ी से जो है रिएक्ट करता है, और इसकी कॉमन एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की है। यू कैन सी दिस इन इन दिस इक्वेशन, यू कैन सी द सोडियम इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल, इट रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड and this is the salt. Bromine and iodine reacts with metal less vigorously. यानी जैसे जैसे आप down the group जाते हैं, fluorine, chlorine, bromine, iodine, तो उसकी reactivity जो है वो metals के साथ जो है कम होती जाती है, the reactivity down the group, जैसे कि मैंने आपको बताया।
तो फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? एफ फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और ये आपको पता है ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, ये शो करता है कि जिसकी तरफ ओपन साइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जिसकी तरफ क्लोज साइड है उसको जो है वो कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप में आप नीचे की तरफ जाएंगे रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। और ये आपने एक पॉइंट जो है अपने माइंड में रखना है कि रिएक्टिविटी और एसिड फॉर्मेशन जो है दोनों मुख्तलिफ हैं और रिवर्स हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, द हेलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हेलाइड्स H2+H2HX, और X जो यहाँ पे है, यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी है। रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन का जो एक्शन है वो एक्सप्लोसिव है, यानी उससे जो है आप कह सकते हैं स्पार्क्स बनता है या आप धमाका जिसे कह सकते हैं। द हाइड्रोजन हेलाइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रो हेलिक एसिड, यानी ये एसिड बनाते हैं जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, इसी तरह आप ये जो है एसिड फॉर्मेशन होती है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड। अदर हाइड्रो एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जब हम द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इज फॉलोइंग ऑर्डर, अब ये आप कंपैरिजन आपने इन दो इक्वेशन को माइंड में रखना है, एक दिस वन कि ये शो कर रही है डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिहाज से अगर आप देखें तो फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, ठीक है। ये मैंने आप दोनों आपके साथ थोड़ा मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, दिस वन। अब आप ये देखें दोनों जो ये ऑर्डर हैं इनका कंपैरिजन करें। अगर हम सिर्फ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग पावर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, उससे कम क्लोरीन, ये डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। लेकिन जब हम स्ट्रेंथ देखते हैं एसिड की स्ट्रेंथ, या एच इज़ शोइंग दैट दीज हैलोजेंस आर मेकिंग एसिड्स व्हेन दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन और डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या होगा? सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड है, और यहाँ सिंगल फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखते हैं। अब ये आप ये देखें, साइन को आपने माइंड में रखते हैं, ये ऑपोजिट हो गए हैं, ठीक है। सबसे वीक हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इससे क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज़ द हाइएस्ट एंड दैट ऑफ आयोडीन इज लोएस्ट, ये इसकी बात हो रही है इस इक्वेशन की। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड। अब क्या होता है कि ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज़ पॉसिबल फॉर फ्री हैलोजन टू ऑक्साइड द आयन ऑफ हैलोजन नेक्स्ट इन टू द ग्रुप। आप वही ऑर्डर है कि फ्लोरीन जो है वो जितने भी अगर रिएक्शन में किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलाइड हैं, फॉर एग्जांपल हम दिस वी सी दिस इक्वेशन, दिस वन, इसमें आप अगर देखें, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रही हूँ आपके लिए, सॉरी, दिस इक्वेशन। तो आप इसमें देखेंगे कि फ्लोरीन जो है रिएक्ट विद पोटाशियम क्लोराइड। अब फ्लोरीन में ये पार है कि ये क्लोरीन को फ्री हैलोजन में कन्वर्ट कर देगा और पोटाशियम के साथ खुद रिप्लेस हो जाएगा और फ्री हैलोजन हो गए। इसी तरह फ्लोरीन जो है अपने से जो नेक्स्ट जितने भी हैलोजन हैं उनको फ्री हैलोजन में कन्वर्ट कर देगा, ब्रोमीन को कर सकता है, सोडियम आयोडाइड में से आयोडीन को कर सकते हैं।
इसी तरह ब्रोमीन जो है अपने से नेक्स्ट वाले हैलोजन को कर सकता है, फ्लोरीन को नहीं कर सकता। इसी तरह क्लोरीन जो है अपने से नेक्स्ट हैलोजन को कर सकता है, लेकिन जो से फ्लोरीन को नहीं कर सकता। तो इसी तरह क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है डिक्रीज होती जाती है डाउन द ग्रुप, सिमिलरली क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन आइंस, बट आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी हैलाइड आइन, क्योंकि इससे नेक्स्ट कोई भी हैलोजन नहीं है। ये एक सिंपल सी टिप है जिसे आपने याद रखना है। टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द हाउ यू कैन सी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि आपको कैसे पता चल सकता है कि किसी रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।